एक डिसेंट वोकल अचीव करने के लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। बढ़िया प्रीएम्प से रिकॉर्ड करते हैं, बढ़िया माइक से रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, एक अच्छा सा ईक्यू जो कि कुछ ऐसा दिखे, मिड्स थोड़े अप हैं, लोज काट दिए, हाइज बढ़ा दिए, और एक कंप्रेसर जिसके अंदर थ्रेशोल्ड यहाँ तक है, रेशो 4:1 है, मेकअप थोड़ा सा दिया हुआ है, रिलीज कम है, अटैक कम है ट्रांजिएंट निकलने के लिए। लेकिन इसके बावजूद चीजें बन नहीं पाती। होता क्या है कि हमारी जो वोकल्स है वो बहुत मडी हो जाती है। मडी का क्या मतलब है कि वुम 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 ऐसी सी आवाज आ जाती है जिसके अंदर मैं अगर आपसे ऐसे बात करता हूँ तो ऐसे दिक्कत आती है। तो पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि ड्रम्स पे प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो आइए अब बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल की तरफ जिसमें हम वोकल्स को क्लीन, स्पष्ट, सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है, हमें और कौन से टॉपिक्स पे आपको नॉलेज चाहिए मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड, तो नीचे कॉमेंट जरूर करो। जी हाँ, तो अब हम सीखेंगे कि ये वोकल्स पे कैसे काम करता है। वोकल्स पे जितनी भी ट्यूटोरियल्स है ना सू टू को लेके, सब है कि भैया हार्शनेस कैसे रिड्यूस करनी है, जिसके लिए ये एक्चुअली प्लगइन बना है। ये रेजोनेंस सिर्फ हार्श नहीं होती है, रेजोनेंस कई बार बीच वाली भी होती है, जो कि हम जैसे आपके और मेरे जो घर बैठ के म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं और घर बैठ के वोकल, खैर अभी मैंने ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन आज से 3-4 साल पहले जब मैं घर में वोकल रिकॉर्ड करता था तो मेरे को पता क्या दिक्कत आती थी, यार शार्पनेस तो आई नहीं रही है रिकॉर्डिंग में, क्योंकि भाई मेरी आवाज आ रही है ऐसी, तो मेरी आवाज ना मफल्ड हो जा रही है, और उसके ऊपर अब मुझे रिवर्ब भी पसंद है, हमने ट्यूटोरियल भी देख लिया कोई जिसमें हम शार्प भी कर देते हैं और डिले भी लगा देते हैं, जेजेपी ये भी लगा देते हैं, वो भी लगा देते हैं, उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा ऑल ओवर साउंड ना ऐसी हो गई है, बंदा ऐसे लग रहा है कि भैया टॉयलेट वॉयलेट में बैठ के कहीं पे गा रहा है, तो जितनी आवाज बचती है वो भी खत्म कर लेते हैं। ये सब बकवास करने का मतलब क्या है कि यूजुअली हम ये सोचते हैं कि वोकल को शार्प कर दो। मैं कहता हूँ कि मेरी एक थ्योरी है कि यार एक चीज को बढ़ाने की जगह मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं नीचे वाली सीट चीज को कम कर दूं, जिसकी वजह से जो मेरा लेवल है वो ज्यादा लग जाए। तो आज हम उसी मेथड से सूट 2 को यूज करने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये सारी प्रोसेसिंग बंद कर देते हैं, ठीक है जी, और मैं कहता हूँ कि ये प्रोसेसिंग के बिना हमारी वोकल थी। गाया बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन वही चीज है कि यार भारीपन अच्छा भी लग रहा है वोकल में, और वो भी चाहिए। अब इस पे मैं कहता हूँ मुझे सूट 2 के बारे में पता ही नहीं था, मैं ये अभी ऑफ रहने देता हूँ और बाकी सारी प्रोसेसिंग मैं ऑन कर देता हूँ, जैसे कि हम अपने घरों में करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रोसेसिंग वोकल की नहीं देखी है तो मैंने बहुत से ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते। मान लीजिए ये सारी प्रोसेसिंग कर कुरा कर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं और लई मैं गवाई वे मापे आधी लज तेरे, तो बहुत अच्छी वोकल बन गई। लेकिन अगर मैं इसको अपने म्यूजिक के साथ ऑन करता हूँ, मापे आधी लज तेरे लई मैं गवाई वे, तो आप नोटिस कर रहे हैं एक बॉक्सीनेस बम 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 वाली चीज आ रही है। तो सबसे पहला तरीका हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक डायनेमिक ईक्यू या नॉर्मल ईक्यू लगा देंगे जिसमें से हम ये चीज काट रहे हैं बेसिकली। अकेली वोकल ऑन कर देता हूँ मैं, इससे काम तो सुलझ गया, लेकिन आप देख रहे हो वो उस हिसाब से नहीं सुलझ जाते। अगर मैं इसको और कम करना चाहूँ तो मैं इसको नीचे कर दूंगा, मापे आधी लज तेरे, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा के कैंसिल, और इसको हटा के हम इस पे लगाते हैं सूट। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि अटैक, रिलीज, मिक्स कैसे काम करता है, यहाँ पे ट्रिम का भी जॉब है, वो भी देखेंगे, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे शार्पनेस और सिलेक्टिविटी पे। तो सबसे पहले मुझे पता तो लग गया कि मेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया है 200 से लेकर 300 तक। तो पहले तो मैं इस लो कट को थोड़ा सा पीछे करता हूँ, भैया को जगह देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, तो मैं इसको पहले अगेन ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये आ गई प्रॉब्लम हमारे सामने, अब मैं क्या करूंगा, अगेन इसको ऊपर ले जाऊंगा, जैसे कि ये सेंसिटिविटी ऊपर जा रही है यहाँ से, ये सेम ही नॉब्स है, क्यू को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, लिसन पे रखकर मैं सुन रहा हूँ कि कहाँ दिक्कत है, इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मेरी डेप्थ है 3 पर तो देखते हैं ये काम कैसा कर रहा है। मापे आधी लज तेरे
ले मैं गवाई। काम तो कर दिया इसने, लेकिन आप नोटिस कर रहे हो मपेयां दी लज, लज बेचारा बिल्कुल ही उसकी लज की मतलब सारी बॉडी खत्म कर दी है सूद भैया ने। जरूरी सूचना के लिए खेद है, हम बताना चाहते हैं कि हम अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ओपन कर चुके हैं। अगर तुम उनका लाभ उठाना चाहते हो और मिलके धमाल उठाना चाहते हो तो आप हमें DM कर सकते हो और आगे की इंक्वायरी ले सकते हैं। तो क्या हुआ था इससे पहले देखना, मापियां तो उसने वर्ड ठीक कर दिया बॉक्सीनेस, लेकिन आगे खराब कर गया। मापियां दी लज तेरे, अब मुझे लज में तो अच्छा चाहिए है, मुझे इतना तो चाहिए है। और इसके साथ मापियां दी लज, उसने लज को भी पतला कर दिया। तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आती है कि भैया शार्पनेस वाली एरिया से तो मैं संतुष्ट हूँ, तो उस पर आप लोग मत काम करो, पहले इसको हम अपना एरिया दे देते हैं कि भैया आपने यही काम कर दिया। तुम कहां से, तुम भी बंद रहो और तुम भी सिर्फ आप आओ। मापियां दी लज तेरे ले मैं तो मुझे पता लग गया मुझे कहां पे उसको काम करवाना है। मापियां दी, अब मैं ये लिसन बंद कर देता हूँ और इस पे आ जाते हैं। मापियां दी लज, अब मैं क्या करूंगा, शार्पनेस आप देखो क्या होता है। मैं कहता हूँ कोई भी प्लगइन आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, सबसे बेस्ट तरीका उसको देखने का पता क्या होता है, उसको ना एक्सट्रीम पोजीशंस पे देखो। गलत दिमाग मत चलाना एक्सट्रीम पोजीशन के नाम पर। इसका क्या मतलब है कि नीचे बर्फबारी हो रही थी ऊपर स्नो फॉलिंग, इसका मतलब है नीचे मजा ऊपर भी मजा है। यार अभी देखते हैं कि अगर मैं इस शार्पनेस को जीरो कर देता हूँ, मापियां दी लज तेरे, आप देख रहे हैं वो मोटे लेवल पे काम कर रहा है, मतलब वो मोटा सोटा देख रहा है कि हाँ भैया हो गया काम, क्या नहीं हुआ। मापियां दी लज तेरे, और अगर इस शार्पनेस को मैं फुल कर देता हूँ तो देखना वो कैसे काम करेगा बहुत ही बारीकी से। मापियां दी लज तेरे, अब हम आते हैं इसका, हमें पता लग गया शार्पनेस का हिंदी में मकसद क्या है, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्टिविटी पे, अगर मैं सिलेक्टिविटी को जीरो कर देता हूँ तो देखो क्या हो रहा है। मापियां दी लज तेरे, ठीक है, उसके बीच में जो गैप है वो बड़ा हो गया, मतलब वो रेजोनेंस बेसिकली की अब वो पर्टिकुलर कौन सी पॉइंट पे है वो देख रहा है कि अच्छा अच्छा यहाँ पे है। और अगर मैं सिलेक्टिविटी को बढ़ा देता हूँ, मापियां दी लज, आप देख रहे हो वो गैप कितना एक्यूरेट हो गया है, वो ज्यादा एक्चुअली प्रोसेसिंग कर रहा है और देख रहा है कि इतनी ही जरूरत है, ज्यादा जरूरत भी नहीं है, जो कि हम इस केस में चाहते भी हैं कि हम लज पे नहीं गाना चाहते, हम सिर्फ जहाँ पे ज्यादा उसका गलत साउंड हो रहा है वहां पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, शार्पनेस को लेकर आता हूँ मैं 6 के आसपास, और हमें पता लग गया कि सिलेक्टिविटी हमें ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कर देनी, उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। मापियां दी लज तेरे, अब क्या है, अब मुझे खेलना पड़ेगा डेप्थ के साथ। मापियां दी लज तेरे ले मैं गा, तो मुझे एक परफेक्ट बैलेंस मिल गया। अब अगर मैं इसको म्यूजिक के साथ देखूं, जो कि पहले हमें मफल्ड सा साउंड कर रहा था, हम सोच रहे थे तीखा कर दें और ये सब कर दें, इसके साथ देखते क्या हुआ। मापियां दी लज तेरे ले मैं गवाई वे, मापियां दी लज तेरे ले मैं गवाई वे, तू ते अन जान। तो क्या हुआ, बेसिकली इसने हमें बहुत सारी चीजें करके दे दी जो हम 2-3 ईकियों के साथ करते। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, इतना मुझे चाहिए नहीं था, तो आप सिंपल सी चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ से मिक्स नॉब कम कर सकते हैं जैसे हमने पहले भी किया था। मापियां दी लज तेरे ले मैं गवाई वे, मापियां दी लज तेरे ले मैं गवाई वे, इसके बिना मापियां दी लज तेरे। और जब ये सब ऑन करके हम बाकी सारा कुछ ऑन कर देते हैं, ये क्या है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शार्पनेस दी हुई है, ये भी ऑन कर देते हैं, DSR है, और देखें तो मापियां दी लज तेरे ले मैं गवाई वे, मापियां दी लज तेरे, मापियां दी लज तेरे ले मैं गवाई वे, मापियां दी लज तेरे। तो ये यहाँ पे हमारे को इस प्रकार से काम में आता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो आज ही कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन 2, और हम लोगों को कर लो फॉलो अस ऑन Instagram 2 कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।